सब मामला आप प्रदेश चक्कर देख रहा है और प्रदेश चक्कर मिलेगा। इस मामले पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, ना बीजेपी को बोलना चाहता। उनमें भी यदि दम है बीजेपी के लोगों में, उन्होंने आज तक जितने मुद्दे उठाए वो सारे आरोपी को सदन पर टेबल करने ही लगे। नियम कायदे कानून के अनुसार हर मुद्दा उठाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ एक चक्कर नहीं करती बीजेपी। विधानसभा के बाहर जितना चिल्लाती है, बड़े बड़े आरोप लगाती है, जब विधानसभा चलती है तो उनके आरोप हवा हो जाते हैं, क्योंकि आरोपों में दम नहीं है। बीजेपी को जिम्मेदार है महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के लिए। आज वो बीजेपी जो डायलॉगबाजी कर रही थी, बीजेपी उसी काम पर 4.5 साल तक बीजेपी का नेता नजर नहीं आए। आज ये सब जगह हंगामा करके अपनी असफलताओं से ध्यान हटाना चाहते हैं। मणिपुर के हालात क्या है? मणिपुर में ले लोगे बीजेपी? अब तक तो बीजेपी हिंदू मुसलमान में टकराव खड़ा करके वोट लेती है, लेकिन मणिपुर में तो बीजेपी के लोगों ने कमाल कर दिया। वहां तो जातियों में दंगा करवा दिया, महिलाओं के साथ खुलेआम जुल्म हो रहा है, कोई संभालने वाला नहीं, हथियार छीन लिए गए। हमारी मिलिट्री कमजोर नहीं है, केंद्र की सरकार को मणिपुर में पावर देने चाहिए। कोई वीडियो देख नहीं सकता, आप भी देख के बता दो, कोई पूरा वीडियो नहीं देख सकता, आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में इतना भी जोर लगा दे, चलने वाला नहीं है बीजेपी का जोर। बीजेपी को तो जब भी कोई कांग्रेस के अंदर से कोई आवाज उठती है तो उसको लेकर बीच में पकड़ने की कोशिश करती है, तो बीजेपी किसी की सगी नहीं है। ये मानकर चलना, भारतीय जनता पार्टी पर जो भरोसा करेगा वो धोखा खाएगा। ना जनता की सगी है, ना किसी और की सगी। तो कह रहे हैं कि तोड़ूंगा, और भारतीय जनता पार्टी को हमने कोई मना नहीं किया। सबको अपनी बात कहने का हक है, मैं सबका सम्मान करता हूँ, और अंदर घूमना चाहिए। नियम कायदे कानून के तहत घूमने का अधिकार मिला हुआ है, बाहर अंदर सब जगह घूमना चाहिए। और ये विधानसभा आप जानते मंदिर है, ये समाज के दर्पण के रूप में सबकी कलई खुलता है, हमारी भी कलई खुलता है, बीजेपी की भी कलई खुलता है, सच्चाई सामने आती है। विधानसभा तो मंदिर है, हम सबको अपना अधिकार है, हर विधायक। तो प्रताप गुड्डा जी ने बोला तो उनकी कार्रवाई होगी। देखिए, मैं अभी इस मामले में कुछ नहीं बोलना चाहता। जब विधानसभा चलेगी तब उसमें पार्टी नेतृत्व को बोलेगा क्या बात है, क्या नहीं है। रोज एक अभी इशू बड़ा है, मणिपुर बड़ा इशू खड़ा है, महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भीड़ होगी, मणिपुर के मुद्दे पर पूरा देश खड़ा है। और जब बड़े इशू चल रहे हो तो हर इशू पर मेरा बोलना जरूरी है। मैं आजकल मेरे जो साथी विधायक है उनके मामलों में मैं नहीं बोलता। मोदी जी आ रहे 27 को फिर, नो डाउट प्रधानमंत्री जी को बार बार बीजेपी से बुला रही है, राजस्थान की बीजेपी के लोकल लीडर से भी इनको बाहर के नेता बुलाने पड़ रहे हैं। सारे हैं गए रेगुलर, कभी गृह मंत्री जी आ रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कभी रक्षा मंत्री जी आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो स्थानीय लीडर जी रहे हैं उनमें ना तो हिंदी और बिताव है, और वो पब्लिक को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। बीजेपी डरी हुई है, बीजेपी के अंदर आने वाले सुनो, बीजेपी जानती है कि चुनाव राजस्थान में हार रही है, इसे बीजेपी सब सहारा ले रही है, लेकिन जवाब केंद्र सरकार से दिया जा रहा है। एंटी इनकमबेंट की केंद्र सरकार के खिलाफ है, जबरदस्त है। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई से पूरा देश लावा है महंगाई। मणिपुर की घटना दे रहा हूँ, अब बीजेपी का डायलॉग नहीं चलेगा, केंद्र सरकार को काम बताने पड़ेंगे। और यहाँ पर कोई भी बड़ा नेता आ जाए केंद्र का, लेकिन जब तक काम नहीं बताएंगे तब तक राजस्थान की जनता पर असर नहीं पड़ेगा। ये सब मामला आप प्रदेश चक्कर देख रहा है और प्रदेश चक्कर बोलेगा। इस मामले पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, ना बीजेपी को बोलोगे।